है ना, और कोई क्रोधित हो जाता है वो बताते हैं कि ज्यादा गर्म मत बनो। आदमी स्वयं ही ऐसा कहता है, मैं वहां उसके पास गया था और मेरी बात नहीं माना तो मैं गर्म हुआ। गर्म हुए तो एक और अच्छा है, जलने लगता है पहले। क्रोध जो करता है पहले तो वही व्यक्ति जलने लगता है, दूसरों को तो जलाएगा ही, चाहे हाथ में डंडा लेकर के, चाहे शब्द वेधी बाण छोड़े, वाणी द्वारा गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन पहला तो अटैक क्रोध का उसी व्यक्ति पर होता है। ओठ खड़कने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, और उस समय हाथ कुछ पकड़ने की चेष्टा करता है, नहीं रहता है तो थप्पड़, और यहां तक कि पैर में भी क्रोध आ जाता है। आदमी पैर से ही मारने लगता है, हाथ से मारने लगता है, और हाथ में कुछ मिला तो डंडा से या जूता से ऐसे तैसे मारने लगता है। क्रोध उस आदमी को अभिभूत कर देता है। इसीलिए यहां सबसे पहले नारद जी बता रहे हैं, हिरण्यकश्यपु का मन विचार शक्ति अंधी हो, लुप्त विवेक हो गया, क्रोध इस तरह से विवेकहीन कर देता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, काम क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार हैं, इनको निश्चित त्यागना चाहिए। धन्य है वह पुरुष जो कभी क्रोध के बस में नहीं होता है। यह एक बहुत बड़ा गुण है। लोग बड़े बड़े राज्य जीत लेते हैं, साम्राज्य जीत लेते हैं, लेकिन क्रोध को जीतना कठिन होता है। जैसा श्रीमद् भागवतम में एक तुलना की गई है भगवान नर नारायण से और भगवान शिव से। भगवान नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए बसंत ऋतु, कामदेव और अन्य गंधर्व अप्सराएं ये सब आए, लेकिन भगवान की तपस्या को भंग नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, तो अंत में ये सब भयभीत हो गए कि अब हमारा क्या होगा, कहीं साफ न दे दें। क्योंकि ये प्रसिद्ध बात है कि किसी ऋषि को डिस्टर्ब करने के लिए कामदेव जाता था यह बसंत ऋतु अप्सराएं, और यदि साधु डिस्टर्ब नहीं हुआ, कामुक नहीं बन सका, तो निश्चित ही वो क्रोध में फिर साथ देता था। वे लोग डर गए, लेकिन भगवान ने आश्वासन दिया। दोनों भाई नारायण कहे, कोई बात नहीं, आप लोग जाइए। और अपनी भावों से भगवान ने कई सुंदरियां उत्पन्न कर दिया और कहा कि यदि आपकी इच्छा हो तो इसमें से जो भी सबसे श्रेष्ठ हो ले जाइए। तो उर्वशी भगवान के आंख से जन्म ली है और उसको लेकर के देवता गए स्वर्ग। क्या कोई काम विकार भगवान में पैदा करेगा? लेकिन वहीं पर यह वर्णन है कि कुछ लोग काम को तो जीत लेते हैं लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाते हैं, जैसे भगवान शिव। कामदेव उनकी निष्ठा को भंग करने के लिए गया तो पुष्प बाण मारा भगवान शिव को, तो उनमें कामुकता नहीं आई, काम अपना प्रभाव नहीं डाल सका भगवान शिव पर थोड़ा भी। लेकिन वो भगवान शिव के भाव को, भगवत भजन को नष्ट करने गया था, यह केवल सोच करके भगवान शिव को बहुत क्रोध हो गया। और इतना क्रोध हो गया, इतना क्रोध हो गया कि प्रलय काल में जो आंख तीसरा नेत्र खोलते हैं वो उस समय खोलकर उसको जलाकर राख कर दिया। अब भगवान नारायण में और भगवान शिव में देखिए, विचार कीजिए। मैं किसी की हीनता के लिए बात नहीं कह रहा हूं, भागवत में जैसे पढ़ा हूं वैसे कह रहा हूं। भगवान कितने जितेंद्रिय हैं, कोई क्रोध नहीं, काम का तो प्रश्न ही नहीं, क्रोध का भी कोई सवाल नहीं, लेकिन भगवान शिव इतना क्रोध किए कि कामदेव जल कर राख हो गया उन पर। काम वासना तो उनमें नहीं आ पाई, लेकिन क्रोध इतना हुआ कि वह क्रोध प्रलय काल में करने के लिए उनके पास रखा गया है, संसार को भस्म करने के लिए। लेकिन कोई सरकारी ऑफिसर जैसे अपने पद का दुरुपयोग करे, सरकारी
फैसिलिटी का, उस तरह से प्रलय करने वाले नेत्र को उन्होंने उस समय कामदेव को भस्म करने में लगा दिया। तो क्रोध है को जितना बहुत कठिन है, यह भगवान शिव के आचरण से प्रतीत होता है। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव वास्तव में जितेंद्रिय हैं, क्रोध के बस में नहीं है। उस समय कुछ जरूरत पड़ गई इसलिए चलाकर राख कर दिए, परंतु फिर भी इतना निश्चित है कि भगवान तो भगवान है। भगवान में अपार धैर्य है, अपार शांति है, अनंत सुख है, समस्त जीवों के कारण सुहृद है। कोई कितना भी बढ़े लेकिन भगवान तो भगवान रहेंगे। तो यहां पर विचार हो रहा था, मैं कह रहा था कि काम क्रोध का रूप धारण करता है और काम यदि सफल होता है तो लोभ का रूप धारण करता है। तो लोभ और काम हृदय में रहे तो कोई बहुत नुकसान नहीं है, दूसरों को उससे कोई भय भी नहीं होता है कामी या लोभी व्यक्ति से। लेकिन क्रोधी से तो आसपास के लोग भी भयभीत हो जाते हैं, उसको पकड़ना पड़ता है, और जो पकड़ने जाता है उसको भय रहता है कि वो मार देगा। कभी कभी हमने देखा है व्यक्ति अपने पुत्र पर क्रोधित हो गए, अपनी खास है पुत्र पर, और उसको मारने चला, मारने लगा तब तक पत्नी गई बचाने के लिए, तो पत्नी को भी दो चार थप्पड़ लगा दी। तो क्रोधी आदमी से दूसरों को भी भय होता है और अपने आप तो वो जलता ही, इसलिए क्रोध को रोकना चाहिए। क्रोध बहुत हानि करता है। क्रोध का अवसर आने पर भी जिस पुरुष में क्रोध ना हो वो बहुत महान है। तो यहां बताया गया, देखिए प्रहलाद महाराज एक बच्चा है, अनंत धैर्य है, शांति है उनमें। अगर प्रश्न पूछा गया है कृष्ण में कैसे मति लगेगी, तुम्हारी कैसे मति लग गई है, तो बताते हैं कि मति लगने का उपाय है महत्पुरुष के चरण रज में अभिषेक करना, मतलब उनकी दासता स्वीकार करके उनकी सेवा करना और उनके मुख से सुनना, यही उपाय है कृष्ण में मन लगने का। और बाकी संसार के भोगों को कोई भोगता जाए, राजा हो चाहे कुछ भी हो, इस प्रकार की मति नहीं आ सकती। बड़े शांति से बोल रहे थे, लेकिन ये इस उपदेश को सुनकर हिरण्यकश्यपु बिल्कुल गर्म हो गया, बोला। तो आंखों का वर्णन नारद जी कर रहे थे, मैं इसी पर कुछ व्याख्या किया। कसाई भूत लोचन, कसाय का अर्थ होता है गेरुआ, ये लाल 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 आंखें हो गई, रोष से आविष्ट होकर के आह अमर्ष रुषाविष्ट, वो सहन नहीं कर सका, असहनशीलता और क्रोध के आवेश में हो गया और तुरंत आज्ञा दिया। पृथ्वी पर तो पटका ही, और पटक करके वहां खड़े हुए असुरों से कहा, जो लोग मारने काटने में बहुत प्रवीण, नय रीता बध्यता आसु अयम बध्यो, बध्यता इसका वध करो, इसको मारो। और वह भी आसु तुरंत इसका वध करो, देर मत करो, क्रोध में बोल रहा। बध्यता आसु अयम बध्यो, तो लोग कुछ भी हो, सम्राट का राजा का पुत्र है और राजा कह रहा है वध करने के, तो एकाएक थोड़े मार देते हैं, तो रुके। तब हिरण्यकश्यपु कहता है बध्यो अयम, ये बध्य है, या बध्य है इसलिए इसका वध करो, ये वध के योग्य है। अयम बध्य, बध्य का अर्थ है कि इसने ऐसा अपराध किया है जो मृत्यु दंड देने योग्य है, बध्य है, इसीलिए इसका वध करो और तुरंत करो। और उनके गुणों को भी, उनकी कठोरता को भी बता रहा है, नैरिता हे निर्दय राक्षसों, उनके क्वालिफिकेशन को बता कर कह रहा है। ऐसा अगर कहे कि हे दयालु राक्षस हो, तब तो हो सकता है वो न वध करें। हे कठोर हृदय वाले असुरों,
इसका वध करो, ये बध्य है, ये मारने लायक है। उन लोगों ने, वे लोग वास्तव में ठिठके पहले की सरकार क्या अपराध किया है, इसने क्या किया है। अभी तो बड़े प्रेम से आप इसका सिर सूंघ रहे थे, आपके आंखों से आनंद के आंसू चू रहे थे, और अब क्या हो गया। तो कहता है अयम ने भ्रात, या इसने मेरे भाई को मारा है। और ये बाप रे, मतलब विष्णु का भक्त है तो विष्णु और मैं इसमें भेद क्या है। इसने मेरे भाई को मारा है, हिरण्याक्ष का वध इसने किया है, अयम ने भ्रातृ, हा हा का अर्थ है हत्या करने वाला, मारने वाला, यह मेरे भाई को मारा है। ये भाई को मारा है, आपका भाई बहुत पहले मारा गया, लड़का बाद में जन्म लिया, ये कैसे मारा है। हिरण्यकश्यप सब कनेक्शन जोड़कर कह रहा है, हमारा पुत्र हो करके और विष्णु का इतना बड़ा भक्त हो गया, बस बस बस, विष्णु मेरे इसमें भेद नहीं है, इसी ने मेरे भाई को मारा है। अयम में भ्रातृहा सोयम हित्वा स्वान सुर्दोधमान। तब उन राक्षसों ने कहा कि नहीं सरकार, आप क्रोध में है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये बेचारा कैसे वध करेगा। तो वो कहता है सह अयम, ये तो देख रहे हो ना कि यह अपने सुहृदों को, स्वान सुहृद, अपने सुहृदों को, जिन लोगों ने इसको जन्म दिया, पालन पोषण किया, मतलब खास करके अपने को और अपने पत्नी को कह रहा है, ये बच्चा है और अपने सुहृदों को जिन्होंने जन्म दिया, खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उनको छोड़ दिया और छोड़ करके विष्णु के चरण की आराधना ये दास की तरह कर रहा है, दासवत अर्चत, छी छी विष्णु का दास बन गया विष्णु। तो इन लोगों ने कहा सरकार विष्णु का दास बन गया तो क्या गलती कहा। अरे विष्णु पितृव्य हंत, इसके चाचा का वध किया है विष्णु ने, मेरे भाई का वध किया है विष्णु ने, और चाचा का वध करने, चाचा का जिसने वध किया है उसके पाद, उसके दोनों चरण का ये दास हो गया। तो जो हत्यारे से प्रेम कर रहा है, हमारे भाई को मारने वाले का भक्त निकल गया, यह बन गया, तो इसने मारा है कि नहीं। तब उन्होंने कहा हाँ सरकार ठीक है, इसी ने मारा। अब वो क्या कहे, अब इस तरह से बातें बैठा कर बोल रहा है, ये छोड़ दे, अब बताइए, आप जरा विचार कीजिए, यदि भगवान के भक्ति की बात कोई कर रहा है तो माता पिता को छोड़ दिया है। प्रहलाद महाराज कब छोड़े अपने माता पिता, माता पिता को छोड़े नहीं थे, वे भगवान के भक्ति की बात कर रहे थे। कोई किसी के हाथ जन्म लिया है, माता पिता है, तो इसका मतलब कि माता पिता को ही सब कुछ माने और भगवान को कुछ भी नहीं, भगवान को भूल जाए। आजकल के माता पिता हो सकता है इस अभिमति में, इस कंसेप्शन में होंगे कि मेरा लड़का है तो मेरी सेवा के लिए है, मैं जैसे कहता हूं वैसे होना चाहिए, और कोई महात्मा यदि आकर तो उसको साधु बनाता है तो बहुत रंज होते हैं, हमारा क्या अधिकार हमारे बेटे पर, तुम जन्म दिए हो, तुम पढ़ाए लिखाए हो, तुम सेवा किए हो, एक बच्चा जन्म दे करके और बड़ा करने में, खिलाने पिलाने में कितना परिश्रम पड़ता है, पता है। नारद जी को दक्ष प्रजापति ने इस तरह से कहा, बस वीणा ले लिए हो, हरे कृष्ण कर रहे हो, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, दूसरे के लड़के को बिगाड़ते चलते, अपना क्यों नहीं दो चार पैदा करके और उनको साधु बना रहे हो। दक्ष प्रजापति इस तरह का है, वो उनके 11,000 पुत्रों को बाबा जी बना दिए। वो घर लौटे ही नहीं, पिताजी ने भेजा था कि जाओ तप करो और तपस्या करके शक्ति अर्जन करके इसके बाद विवाह करो और संतान उत्पन्न करो, राजा बनो। पहले के लोग विवाह करने से पहले तप करते थे। ये कथा में दो अध्याय के दक्ष प्रजापति के पुत्रों को साप और दक्ष प्रजापति की तपस्या,
नहीं, दक्ष प्रजापति द्वारा नारद जी को श्राप दिया। और दक्ष प्रजापति की तपस्या, दक्ष प्रजापति के पुत्रों को नारद जी ने क्या उपदेश दिया, ये दो अध्याय की कथा एक सप्ताह में बॉम्बे में अभी अभी हुई है। बहुत देर देर तक होती थी कथा, चार चार घंटे प्रतिदिन और 7 दिन कथा है। बहुत लोग आए, बॉम्बे के सभी भक्त आए थे, यहाँ तक कि गोपाल कृष्ण महाराज भी उस कथा में आए थे। तो बहुत अच्छा लगा, तो मुझे वो सारी बातें इसमें स्मृति में आ रही हैं कि दक्ष प्रजापति नारद जी को क्या क्या बोलते हैं। अच्छा ठीक ठीक, कीर्तन गान दक्ष प्रजापति नारद जी को देखते ही उबल पड़े, वे लगे कहले कि अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया भिक्षु मार्गम प्रदर्शित अर्भकाणांति। अरे असाधु, सबसे पहले संबोधन दिया, तुम एक नंबर के असाधु हो, लेकिन साधु के वेश में घूम रहे हो। साधु लिंगेन, साधु बन करके भेष केवल दिखा करके ढोंगी पाखंडी कहीं के, और तुमने मेरे बच्चों को भिक्षुक बना दिया। कहां वे लौटते राजकुमार होते और राजा बनते और तुम भिक्षुंगा बना दिया। तुम अपने समान सबको करना चाहते हो। ऐसे बताए, तुम है आप सरिस सब ही चहकिन, तुम अपने समान सबको करना चाहते हो। तुमको पता है तुम्हारे जैसे लोगों के बहकाने से कृष्ण में मति नहीं लगती है। विषयों को भोगने के बाद जब विषयों की कटुता का अनुभव व्यक्ति को होता है तो खुद ही भगवान की तरफ मुख कर लेता है, जलता है। तो जब तक कोई विषय भोग नहीं करेगा तब तक विषय भोग के प्रति उसका आकर्षण बना रहेगा। इसलिए भगवान ने नियम बनाया है कि विषय भोग करो और कटुता का जलन का अनुभव होगा तो अपने आप वो भजन करेगा। तो वैसे मति ठीक होती है, भजन में लगती है। तुम्हारे जैसे पाखंडियों के बहकाने से 2 दिन के लिए भले मति लगे लेकिन फिर गिर जाएंगे लोग विषय में। तुमको पता है पहले 3 ऋण से मुक्त हो लेना चाहिए, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, और इसके बाद इन गुणों से मुक्त होकर तब भगवान का भजन करना चाहिए। मतलब जवानी में ऐसा खाए कमाए संसार को चलाए, बूढ़ा होने पर भजन करे। बच्चों को तुमने जो भिक्षुक बनाया, सन्यासी बनाया, तुमने सर्वनाश कर दिया है। इस तरह बहुत बहुत बात कहे और कहे कि अब तुमको मैं साफ देता हूँ कि कहीं भी ज्यादा दिन मत रहो, नहीं तो तुम तो ज्यादा दिन रह गए तो सबको नष्ट कर दोगे। कंटिन्यूअस प्रवचन करके तुम नष्ट कर दोगे, इसलिए उन्हें साफ दिया कहीं भी तुम मुहूर्त भर से ज्यादा मत रहो। तो नारद जी घूमते ही रहते हैं, उनके लिए वरदान हुआ। तो
प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये भावना बसी रहती है। वास्तव में ईमानदारी से कोई देखे तो अपने अपने हृदय को तो सब देखते हैं। यदि किसी को दो लड़का है, किसी को तीन है, चार है, पांच है, तो जब पांच बच्चा भी हो और उसमें से एक को कोई साधु मांगे कि आप दे दीजिए इसको, शुरू से ही हम ब्रह्मचारी बनाएंगे और विरक्त प्रचार करेगा, तो वगैरह नहीं आप और के लड़का देखिए तो हमारे कम लड़के हैं। और दो रहेगा तो दो में संतोष है, चार रहेगा चार में संतोष, एक है तब भी संतोष है, लेकिन ज्यादा भी हुए और उनको कहा जाए कि आप विरक्त बनाइए, भगवान का भक्त बनाइए, भक्त बनाना चाहेंगे लेकिन विरक्त बनाइए तो नहीं चाहते हैं। प्रायः संसार के लोग नहीं, नहीं नहीं अब इसको सदगृहस्थ बनाइए, इसको विरक्त मत बनाइए शुरू से। इस समय तो खैर बनना बहुत कठिन है ब्रह्मचारी, लेकिन उस बहुत शुरू से ही ऐसी मान्यता रही है। तो हिरण्यकश्यपु यहां पर यह भाव व्यक्त कर रहा है राक्षसों से कि हमने इसको जन्म दिया, इसकी मां ने जन्म दिया, मिल करके पाले पोसे, लेकिन हमारे से कोई इसका संबंध नहीं, विष्णु का भक्त हो गया। अरे भैया विष्णु का भक्त हो गया तो तुम्हारा क्या बिगड़ा, तो अच्छा हुआ ना, कोई बेचारा गलत व्यवहार नहीं कर रहा है, कोई परुष वचन नहीं बोल रहा है, प्रणाम वैसे ही कर रहा है, तो क्या ये जरूरी है कि तुम्हारा बेटा वो रहे तुमसे प्रेम करे तो विष्णु से प्रेम नहीं करेगा। तो कहता है यह पितृव्य हंतु, जो पितृव्य मतलब इसके चाचा की हत्या किया है, उस विष्णु के चरण में दास की तरह सेवा कर रहा है। दास हमारा बेटा है और विष्णु का दास बन जाए क्या दुनिया कहेगी। अरे अरे इसको आप कीर्ति मान रहा है और अपने साथ भगवान विष्णु का द्रोह नहीं दिखा रहे, पूरे परिवार के साथ हत्या किया है, ये किया है, वो किया है, इसीलिए फिर कहता है मसरों से, अरे ये विष्णु के जिस काम में आएगा वो तुम्हें देख ही रहा, गिनना लायक, जो अपने माता पिता का नहीं हो सका वो विष्णु का क्या होगा। विष्णु हो वह साधव किमनु करिष्यत असमंजस, असमंजस या बेढंगा लड़का जो किसी काम का नहीं है, तो ये विष्णु का क्या साधु करेगा, मतलब विष्णु के किस काम में आएगा, जिसके जिनके साथ इसका संबंध है, जिस माँ के उदर में रहा, जिस पिता की गोद में, सब कुछ हम लोगों ने किया और हमारा किया हुआ उपकार नहीं मानता है, हमारे काम में नहीं आया, तो विष्णु के किस काम में आएगा। यदि विष्णु का एड्रेस मिल जाए तो मैं पत्र लिख दूं, फोन कर दूं कि इस नलायक को मत शरण में रखो, ये तुमको भी धोखा देगा। जब हमको धोखा दे सकता है, माता पिता कोई छोड़ सकता है, तो विष्णु को कितना दिन मानेगा, किस काम आएगा, विष्णु भी धोखा खाएगा इससे उसके कार्य का आशय है। विष्णु वास्ता दसम किमनु करिष्य तस्मंजस, सब हृदय दुस्तेजन पितो रहा, यह पंच है ना, यह पंच है ना, है मैंने वर्ष, अभी ये पांच साल का है, पांच साल का होते हुए भी जब माता पिता के प्रति इसका स्नेह नहीं रहा, माता पिता से प्रेम नहीं रहा, तो ये विष्णु का क्या काम करेगा, क्या विष्णु से प्रेम करेगा। अरे बाद में विवाह हुआ होता, इसकी बीवी आई होती, उस समय भले माता पिता को भूल गया होता, अभी पांच साल का है और इसको माता पिता से कोई मतलब ही नहीं रहा अरे छोटे छोटे बच्चे कितना अपने माता पिता से चिपके रहते हैं, है ना, देखते हैं कोई दूसरा व्यक्ति बच्चों को छूता है तो नहीं जाते हैं गोद में, माँ के गोद में चले जाते हैं, और सब जगह देखते हैं, ज्यादातर उनका समय अपने माँ के साथ बीतता है, पिता के साथ बीतता है, तो चिपके रहते हैं। पांच साल तक तो निश्चित, धीरे धीरे भले दूरी बढ़ती है पढ़ाई लिखाई में, या बाद में प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं, विवाह कर लेते हैं, तो धीरे धीरे माता पिता बिसरते हैं, तो
हिरण्यकश्यपु के कहने का मतलब है कि वह एक विधि है, लेकिन अभी 5 साल का है, पंच है ना, और इस समय माता पिता के दुस्तेज स्नेह को जब यह भूल गया तो विष्णु से जो प्रेम करेगा वो तो विष्णु सीख लेगा खुद, क्या विष्णु से प्रेम करेगा, मतलब न इधर का रहा न उधर का रहा। एक बार हम लोग नाटक कर रहे थे, ड्रामा, तो जो हिरण्यकश्यपु बने थे, एक महात्मा थे, वो हिरण्यकश्यपु बने थे, तो कहते धोबी का कुत्ता न घर का न घाट, विष्णु भी जूता मारेगा तुमको, तुम्हारे लायक तुम इतना क्वालिफाइड नहीं हो, तुम्हारे जैसे नीच को विष्णु भी नहीं रखेगा। विष्णु की शरण लिया, प्रकट जो पालन पोषण किए उनको जान ही नहीं रहा है, तो विष्णु क्या तुम्हारे काम में आया है, विष्णु क्या काम किया। वो बोल रहे थे कि विष्णु तुम्हारे बाप है। गाली दे रहा था यहाँ, ठीक वो भागवत का ही अनुवाद था, वो कह रहा विष्णु हुआ साधसों की करिष्य थी, तो विष्णु का क्या अच्छा करेगा, उसको भी धोखा देगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे सरकार कुछ भी है तो आपका अपत्य है, अपत्य का अर्थ बच्चा, कुछ भी है तो आपका बच्चा है, आपके देह से जन्म लिया, आपका पुत्र है, इसका वध करना ठीक नहीं है। तब हिरण्यकश्यपु नीति कहता है, सब क्रोध में ही बोल रहा है, परोप्यपत्यम हितकृत यथौषधम स्वदेह जो क्या मयवत्सुको हितः, छिंद्यात दंगम जदुदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति जब विवर्जना। देखो यदि दूसरे का लड़का है और अपना हित करने वाला है तो वही अपना बेटा है, जैसे औषधि जथा औषधम, औषधम का अर्थ होता है मेडिसिन दवा अथवा अन्न भोजन आदि भी। हम लोग रोज भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो तो हमारे देह से उत्पन्न हुआ नहीं है, दूसरे जगह जन्म लिया है, लेकिन हमारा हित कर रहा है तो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, और खास करके दवा परोप्य पत्यम हृतकृत जथा औषधम, जैसे औषध देह में उत्पन्न नहीं होती है, कहीं दूसरी जगह उत्पन्न होती है, जड़ी बूटी या केमिकल से जो भी औषधियां बनाई जाती है, दूसरे जगह बनी हुई औषधियां अपना हित करती हैं तो उनको ग्रहण किया जाता है, उनको स्वीकार किया जाता है, लेकिन अपने देह में उत्पन्न रोग को दूर किया जाता है, क्योंकि अपना अहित करता है, जैसे शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए तो फोड़ा होने पर जो मवाद बनता है, मवाद समझते हैं ना, पीभ बनता है उसमें, पीभ तो शरीर में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको काट कर ऑपरेशन करके सर्जरी करके उसको निकाल कर बाहर कर देंगे, जबकि देह में उत्पन्न हुआ, लेकिन वो रहेगा भीतर तो और शरीर की हानि करेगा, इसलिए उस रोग को जो अहित कर रहा है उसको बाहर कर देते हैं। तो शरीर में उत्पन्न होने से क्या हुआ, ये उदाहरण कितना सुटेबल दे रहा है। और कभी कभी देखा जाता है कि शरीर में कोई रड डालते हैं भीतर, घाव जो हो गया है उसको निकाल कर काट करके बाहर करते हैं, बाहर की चीज